शाजापुर जिले के सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कराड़ा ने कर्मचारियों के धरने स्थल पर बैठकर उनको समर्थन देते हुए कहा कि सरकार एक तरफ तो सहकारिता को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानकर सहकारिता विभाग को खत्म कराने की कोशिश कर रही है। वहीं कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके कारण किसान और अन्य लोगों को भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इनकी जायज मांगों को पूरा करने की बजाय अधिकारियों द्वारा इन सब पर दबाव बनाया जा रहा है और नोटिस जारी की जा रही है। यह सब बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर खड़े होकर इसका विरोध करेंगे। वहीं हुकुम सिंह कराड़ा ने देश में चल रहे किसान आंदोलन पर भी कहा कि सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। जिन अन्नदाताओं ने इनको सर्वोपरि नेता बनाकर भेजा है, उन्हीं से कोई बातचीत नहीं की जा रही। यह लोकतंत्र की हत्या है और निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। बिंद किरण के लिए शाजापुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार आए हैं, हमारा सरकार से यही कहना है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सहकारिता को बढ़ावा देंगे, सहकारिता की नींव को मजबूत करेंगे और सरकार इस तरह के समय समय पे वादे करती रहती है, परंतु हाल की स्थिति में देखने में आ रहा है कि इनको तुलाई और परिवहन 10 रुपये में करने का जो ऑर्डर देते हैं वो 16 रुपये इनको मिलना चाहिए, वहाँ भी इनको सरकार नहीं दे रही है। और इनका जो कमीशन है वो 2-2, 3-3 साल से कमीशन इनको नहीं दिया जा रहा। इस तरह की तमाम सारी विसंगतियाँ हैं और इन विसंगतियों को सरकार को दूर करना चाहिए और ये अपेक्षा के साथ कि सरकार हर चीज़ में इश्यू न बनाए, अपना प्रेस्टीज न बनाए, क्योंकि इस जनतंत्र में किसानों से संबंधित ये लोग कार्य करते हैं और MSP को और बढ़ावा देने के लिए सरकार बार बार वादे कर रही है पर वो पूरे वास्तव में धरातल पर नहीं है। हाँ, इनको स्थायी वेतनमान भी दिया जाना चाहिए और इनके साथ में जो अनुपातिक रूप से दोहरापन हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।